इस वीडियो में कहीं भी आपको अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट दिखेगा SI यूनिट आगे क्वेश्चंस में, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो गलत लिखा हुआ है। वो एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था, वो गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था तो, और एडिट भी हो चुका है, काफ़ी टाइम लगता है एडिट करने में। तो मैं आपको फर्स्ट में ये वीडियो के क्लिप में शुरू में ही डाल दूंगा इसे, कि जहाँ भी आप देखें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट SI यूनिट CGS सिस्टम में, वो क्या होता है आप आराम से देख सकते हो। फोर्स KQ1 Q2 अपन R² होता है, सबको पता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, वन ऑफ K को 1/4 pi epsilon naught, Q1 Q2 C इंटू C, इन दोनों का SI यूनिट R का m². अब एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे हम, क्या बचेगा C² m² / N। ये कांस्टेंट है 4 पाई, इसका कोई यूनिट नहीं। तो हम देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो ये आया, ठीक है, C² m² / N। तो ये आप कंसिडर कीजिएगा, और वहाँ जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। वीडियो बहुत लंबा है तो वहाँ पे एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने 1 मार्क्स क्वेश्चन को किया था, तो अब हम बढ़ते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैनल पे अभी फ़िलहाल तो मैं CBSE के बोर्ड्स क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और पूरे कॉन्सेप्ट्स हर चीज़ कवर करूँगा, तो वैसे ही अपन चलेंगे वहाँ, ठीक है। मैं तो कैमरा मैच कर लेता हूँ कि कहाँ तक मैं दिख सकता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। सही है, कितना दूर तक मैं दिख सकता हूँ, आई थिंक फोकस में थोड़ा इशू हो सकता है, इसलिए मैं बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करूँगा। आई होप यू विल लर्न एंड एंजॉय द क्लास। पर मैं क्वेश्चन तक सही है, यहाँ पे आ है फोकस। ओके तो शुरू करते हैं। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में सीधे से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं याद रहिए, ठीक है, आपको देख के थोड़ा सा पता लगेगा कि CBSE कोई आसान सवाल नहीं पूछता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स देने के लिए आपसे पूरा कॉन्सेप्ट पूरा मेहनत करवाता है, कोई भ्रम में ना रहे कि बहुत इजी मार्क्स मिल जाते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहे हैं तभी मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, अ थिन स्ट्रेट इन्फिनेटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, थिन स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ आप लोग भी नोट कर लें, हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा लैम्डा इज इनक्लोज्ड बाय अ सिलेंड्रिकल सरफेस। अच्छा, सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल, इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द लेंथ ऑफ द वायर। पूरे लैंग्वेज में समझाऊंगा, इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द लेंथ ऑफ द वायर। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
flows through the surface of the cylinder. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक थिन स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, बना दिया भाई, हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा है। अब देखो इज इनक्लोज्ड बाय अ सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। अब एक वायर है लॉन्ग, लंबा सा, थिन और लंबा, थिन बोला लंबा, और उसे इनक्लोज करना है सिलिंड्रिकल सरफेस में, तो यही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे ही रख सकते हैं, कॉमन सेंस बोलता है सही। तो इनक्लोज कर दिया मैंने एक सिलेंडर से, इनक्लोज बाय अ सिलेंड्रिकल सरफेस, वायर को इनक्लोज बाय अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, आर है रेडियस, वायर ये वाला है ध्यान रखना, और एक्सिस सिलेंड्रिकल वही है, एंड लेंथ एल, और सिलेंडर का लेंथ क्या है, एल है। इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द लेंथ ऑफ द वायर, सही बात है। एक्सिस किसको बोलते हैं, इसके सेंटर को, जिसके अराउंड ये रोटेट कर सकेगा ऐसे, मतलब यहाँ रोटेशन को कोई गेम नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि एक्सिस, सिलेंडर का एक्सिस ये है, और वायर का एक्सिस तो वो खुद ही होता है, मतलब वायर का कोई एक्सिस तो वो खुद ही अपना एक्सिस इसके अलॉन्ग होगा, तो दोनों का एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है विद द लेंथ ऑफ द वायर। हाँ, लेंथ ऑफ द वायर जो है उसका एक्सिस लेंथ के अलॉन्ग सिलेंडर के एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब एक्सप्रेशन बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, देख लो यहाँ पे एक बात साफ बताओ, अगर मैं मानूं लेट चार्ज ऑन वायर बी क्यू, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी क्या बोलता है, क्यू अपॉन एल, क्योंकि मुझे नेट फ्लक्स तो सिलेंडर से ही निकालना, सिलेंडर तक ही, तो मैं लेंथ वहीं तक लूंगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चार्ज डेंसिटी होता है ना, वो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन जो भी तुम्हारे पास होगा उस क्वान्टिटी से डिवाइड करते हैं, एरिया से, वॉल्यूम से, तो हमें चार्ज का डेंसिटी मिलता है, या लेंथ से। यहाँ पर मुझे सिर्फ लेंथ पता है, बेसिक सा बात है, यहाँ पर मैं एरिया नहीं निकाल सकता इसका, ठीक है, मैं इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ लेंथ पता है, तो Q अपॉन L, क्योंकि और भी वायर, थिन वायर है, कुछ नहीं कर सकते, थिन स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, तो मैं जहाँ तक मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होगा सरफेस ऑफ सिलेंडर तक, तो उतना ही लेंथ जितना सिलेंडर का, क्योंकि सरफेस सिलेंडर से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो मैं सिलेंडर का लेंथ कंसिडर करके मैं क्यू अपॉन एल करूँगा, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, ये लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से क्यू क्या आएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा एल, अब ये दोनों मुझे पता है, ये तो पता नहीं था इसलिए मुझे फाइंड करना पड़ा। और हम सबको पता है क्या कि फाई जो है इनक्लोज्ड सिस्टम, ईएनसी मतलब इनक्लोज्ड, या जो भी लिख लो, ई डॉट डीएस जो है वो क्या होता है, क्यू इन, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज क्या है, इक्वेशन वन से, फ्रॉम वन, कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, ऐसे यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन वन, कुछ भी दम नहीं था, लेकिन अगर किसी को पता नहीं हो कि चार्ज हो, चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, और इनक्लोज सरफेस में जो ये कॉस का लॉ है, ये फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो कर नहीं पाएगा, तो ये दो बातें थी इसमें बस, आपको हमेशा याद रखना, पॉज करके नोट कर लें, सब यही आएगा, ई डॉट डी एस, गॉस लॉ यही बोलता है, ये गॉस लॉ, ठीक है।
थोड़ा क्लीन हो जाए। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है और मतलब वन ऑफ द कॉमन और मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस में से एक है, और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है जो यूनिक है और वो याद भी रखना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर आप लोग क्वेश्चन अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एन कैप वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी and n cap is a unit vector। जब भी cap लिखते हैं तो unit vector normal to the surface in the outward direction। यहाँ पे सीधा सीधा प्रूफ करने के लिए बोल दिया आपको, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन। प्रूफ करके बताओ कि एक सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा, जहां पे सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, अभी बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में क्या होता है चार्ज डेंसिटी, और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। हमें पता है यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, ठीक है। एन कैप यूनिट वेक्टर है, कहाँ पे? नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इसको फिगर से समझते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने स्फीयर ले लिया, ठीक है, और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज प्लस मान लेता हूँ मैं, आप मैंने भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक आपके पास तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की ओर, ठीक है, ये साथ में बोल रखा है एन कैप भी आउटवर्ड इज वेक्टर इज सरफेस के आउटवर्ड होगा, जो कि ये बोल रखा है ना कि एन कैप है इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। इस यहाँ के वो नॉर्मल है मतलब इसका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया। अब आप देखें जिस जगह पे मुझे फाइंड आउट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी एस हम यूज़ करते हैं, आप सबको पता है, और वहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जिस जगह पे नॉर्मल होता है, जिस सरफेस पे हमको फाइंड करना होता है उसके नॉर्मल जो है हम एरिया लेते हैं, इसको एरिया वेक्टर भी बोलते हैं। जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उस सरफेस के नॉर्मल हम एरिया वेक्टर को चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इधर नॉर्मल। अब क्या है कि जो सिग्मा है, मैं इसे कहाँ पे लिखूँ, क्वेश्चन में डाल कर चलिए यहाँ लिखता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब कैसे, अगर स्फीयर मैंने माना तो ऑफ कोर्स
उसका सरफेस एरिया ये हो जाएगा, यहाँ पे तो पूरे सरफेस, पिछले क्वेश्चन में लेंथ पे था तो मैंने एल पे लिया, यहाँ पे पूरे सरफेस पे तो मैं एरिया पे लूंगा, ये एरिया चार्ज अपॉन एरिया, ये एरिया कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए जिसको बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अब एक फॉर्मूला है बड़ा यूनिक सा, अब सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रखना, जिस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि अगर क्वेश्चन में जो दे रखा होगा कि कुछ सिर्फ हमें ऐसा कुछ सिर्फ चार्ज डेंसिटी या चार्ज का मतलब मुझे क्यों ना पता हो, चार्ज डेंसिटी और वो एक कंडक्टर पे ऐसे कुछ दे रखा हो, तो हम सबको पता है कि एक, अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला याद कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस केस में कहाँ पे, जब मुझे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहेगा किसी कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऑन द सरफेस ऑफ द, इसको शेल बोल लो, स्फीयर बोल लो, जो बोल लो, वो क्या होगा, E इज इक्वल टू, एक बड़ा ही कॉमन फॉर्मूला है अभी आपको पता लगेगा, 1/4 πε0 q/r² एंड कैप, ठीक है, हो गया। तो आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन तो करते ओके, डोंट वरी आई विल कट इट। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, कि सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने एज्यूम करा कि मैं स्फेरिकल शेल या स्फीयर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बोल रखा है एन कैप होगा सेकेंड लाइन, ठीक है, ये बोल रखा है कि एन कैप इज नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इस सरफेस के नॉर्मल, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस सरफेस के नॉर्मल, तो इधर ही जाएगा, और डीएस वेक्टर भी उस पॉइंट पे निकालना है, तो उस पॉइंट के उस सरफेस के नॉर्मल, तो डीएस वेक्टर भी उधर ही जाएगा, अभी यूज़ नहीं है उसका, पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एन कैप डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला तो बेसिकली यही है, इतना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और एन कैप डायरेक्शन के लिए प्लस साइन इसके ऊपर, प्लस प्लस मैंने लगा रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। अब वहाँ से आप देखो के क्यू 4πr² को अलग यहाँ से कर दो, के 4πr², ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ये इसको सिग्मा लिख सकते हैं क्योंकि दे रखा है सिग्मा, और यहाँ पे 1/7 और एन क्या, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू सिग्मा है अपॉन एप्सिलॉन और एन क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख दो, इसे इक्वेशन 1 बना दो, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए था, वो तो तुम्हें आना ही आना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेंथ चार्ज डेंसिटी होता क्या है, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो।
याद रखना, पिछले क्वेश्चन में जो एन कैप लिखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसे तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन में मुझे बताना है तो मैं वो बोल रखा है कि डायरेक्शन उस सरफेस का परपेंडिकुलर है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा होगा ऑफकोर्स, बाहर आउटसाइड की और आउटसाइड मतलब उस पॉइंट के परपेंडिकुलर ही होगा। इसीलिए एन कैप लिखने का सिर्फ इतना मतलब है कि डायरेक्शन उसका उधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन लिख सकते हैं। भाई अब देख, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। चार्ज क्यू ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है, राइट इट्स एसआई यूनिट। ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी मैं बताता हूँ इसी क्वेश्चन का ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होगा कि फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होता है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो क्या होता है पता है? ई डॉट डेल्टा एस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं E डेल्टा S cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर, इसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ऐसा कुछ और है। और ये क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी ठीक ये होता है ठीक है। ये कब होता है? व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा हर जगह हर पॉइंट पर, तब क्या? व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों केस हो सकते हैं मेरे पास, बिल्कुल यूनिफॉर्म भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। सपोज एक सरफेस का कुछ माना, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे हर पॉइंट पे निकाल निकाल के ऐड करना होगा, इसीलिए वो ऐसा संपोला होता है ये इंटीग्रल के, हर पॉइंट पे निकाल के हम ऐड करते हैं ई डॉट डी एस को ठीक है। तो ई डॉट डी एस तब लिखते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सपोज मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, आप इधर भी मान लो और डी एस इधर होगा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तब मुझे हर पॉइंट हर जगह यहाँ 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 हर जगह पर वैल्यू अलग अलग होगा इन दोनों का, इसलिए मैंने ऐसे इंटीग्रल एक जगह से दिखा दिया, इसे भी फाइव होता है। ये वैल्यू कब होती है? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो सरफेस ही मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, सरफेस ही ऐसा होता है कि हर जगह पे वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूँगा हर बार, और ये टोटल फ्लक्स विद इन, मैं लैंग्वेज देख रहा हूँ, इनक्लोज्ड सरफेस हमेशा, इसका मतलब ये होता है इनक्लोज्ड, ऐसे सर्कल कर दिए उस इनक्लोज्ड सरफेस ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा भाई, तुम सबको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नहीं पता तो इसे रट लो, फ्लक्स का यही होता है ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ठीक है। पॉज करके नोट डाउन करो, पार्ट वन था, पार्ट टू पूछ रहा है अरे ये ज्यादा नीचे लिख दिया ना मैंने, तो ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नोट इट डाउन फास्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज क्यू इज मतलब इसी का पार्ट टू। चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। If the radius is reduced to half, language लिखना लिखो काम आएगा, तुम्हें रिविजन करने में फायदा होगा। Reduced to half, how will the electric flux through the surface change? क्वेश्चन अगर मैं फिर बताऊं तो यानी तुम लोग पिछला वीडियो देखे ना, ऐसे ही पूछते हैं यार सीबीएसई वाले, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लिमिटेड ही है, उस पे क्वेश्चन बनाना है बस। इनक्लोज सरफेस पे तुम्हें फ्लक्स पूछा है यार, और तुम्हें पता है, चलो बोल दिया रेडियस आर, कुछ ऐसे स्फेरिकल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, और क्या दे रखा है, क्यू, चार्ज क्यू, अच्छा चार्ज क्यू ऊपर में, ये चार्ज क्यू कहीं अंदर में, ठीक है, पूरा अंदर, तो इसका रेडियस हाफ कर देंगे। मुझे पता है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है क्लोज ई डॉट डी एस, क्लोज सरफेस के लिए क्यू इनक्लोज, चूंकि यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ करे, ट्रिपल करे, चार गुना करे, और कम कर दे, क्वार्टर कर दे, वन बाय फोर्थ कर दे, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क पड़ना है, नो चेंज, यही रहेगा, डिपेंड ही नहीं करता रेडियस, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। वन मार्क के क्वेश्चन में पहले फिर बता चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो में पार्ट वन में आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं अगर चाहें तो। चाहता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स और जो भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, अपने मेंस वगैरह के लिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए, क्वेश्चन करोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे मतलब अगर थोड़ा लेवल अच्छा माना जाए तो ये क्वेश्चन का लेवल सबसे ढंग का है अभी जो मैं करने जा रहा हूँ। लैंग्वेज चाहो तो नोट कर लो, लैंग्वेज तो मैं पढ़ के थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी लैंग्वेज ही आएगा ताकि मज़ा आए देखने में, समझ में आए, मज़े लेते रहते पता चला मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन। टू लार्ज पैरेलल थिन मेटालिक, क्या भैया मेटालिक प्लेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, टू लार्ज मेटालिक प्लेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। The plates have surface charge densities. The plates have surface charge densities of opposite signs. ठीक है? एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, और वही अपोजिट साइन का मैग्नीट्यूड जो है, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड टू इंटू 10^-12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीडियो नंबर जाएगा, टेंशन मत लेना, बार बार पॉज करके अब नेक्स्ट में देख लेना जितना क्वेश्चन कर सको। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला पार्ट, इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स,
सॉल्यूशन पे आते हैं ना, एस ओ एल एन ऊपर ऐसे टक टक टक, ओके मेरा बोल रहा हूँ, देख लो क्वेश्चन। टू लार्ज पैरेलल थिन मेटालिक प्लेट्स, लार्ज थिन, थिन भी है बहुत लार्ज है, ठीक है। अगर मैं मानूँ इस पे अगर पॉजिटिव तो इसे नेगेटिव, क्योंकि बोल रखा है अपोजिट साइन सब उसके वैल्यू दे रखी है। और ये अंडर क्या है, ये चार्ज डेंसिटी है, देखो चार्ज डेंसिटीज, ठीक है। लैंग्वेज देख लो, लैंग्वेज पढ़ के खुद समझ में आना चाहिए। अभी अगर लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रहा है तो भैया बार बार पढ़ो, कहाँ हो रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। तो प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी और अपोजिट साइंस, ठीक है। तो ये प्लस 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 उसका उल्टा 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 हो गया। बोलो आउटर, मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट कहीं यहाँ पे चाहिए मुझे। देख लो एक बात कि इसका और कुछ भी नहीं दिया हुआ है सिवाय चार्ज डेंसिटी के, और पता है लिख रखा है लार्ज मेटल थिन मेटेलिक प्लेट्स, लार्ज थिन मेटेलिक प्लेट्स। तो हमेशा याद रखना है सर, चार्ज डेंसिटी और लार्ज थिन मेटेलिक प्लेट्स बोला जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है बच्चों, देख लो रट लो याद कर लो नोट डाउन कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई डेटा नहीं है, मैं यही फॉर्मूला यहाँ बचा सकता है, वरना तुम बच नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो मैं किस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, और हाँ ऐसा कुछ मान लेते हैं कि जो इसका डायरेक्शन होगा वो सपोज इधर वाले को आर वेक्टर मान लो, सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपोजिट होगा इधर, तो इस प्लेट की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, वो कितना होगा, माइनस सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। ये माइनस मतलब इसके उल्टा, आर कैप का डायरेक्शन अगर इधर है तो इस प्लेट की वजह से इतना हुआ, मतलब बोल सकते हैं ई, ये प्लेट अगर पी, पी तो इस पॉइंट को लिख रखा है, चलो इसका नाम रखता हूँ मैं क्यू, प्लेट क्यू, ई क्यू की वजह से जो आया वैल्यू वो माइनस ऑफ इतना है, माइनस ऑफ सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट आर कैप डायरेक्शन, ठीक है भैया। अब इसकी वजह से यहाँ पे इधर आएगा कितना आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है, समझ गए, नहीं समझे तो बताओ। इसकी वजह से इधर आएगा, पूछो क्यों, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है, नेगेटिव चार्ज के पास कन्वर्स करता है, ये बेसिक है भाई, मतलब ऑफ कोर्स अगर पॉजिटिव से दूर जा रहा है तो नेगेटिव के पास ही आएगा ना, तभी तो अपोजिट होने का कुछ लॉ मेंटेन रहेगा, कुछ रूल मेंटेन रहेगा फिजिक्स में, यही तो होता है, हर चीज पर जैसे तो नहीं कर सकते ना भाई, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हो जाएगा माइनस ऑफ ई क्यू, माइनस यानी लेकिन ई क्यू प्लस इसे आर प्लेट आर मान लो, ई आर, ई आर प्लेट की वजह से, ई क्यू की वजह से माइनस टू बोलो भैया खत्म, जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करा उस पॉइंट पे, और बहुत क्लोज रखे गए हैं ना, तो ऐसा मान सकते हैं हम कि इनके बीच का डिस्टेंस काफी कम है इसके मुकाबले, मतलब ये जो मैंने बाहर का पॉइंट लिया, ताकि वो जो आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आर स्क्वायर उस पर कोई डिफरेंस ना पड़े, समझ रहे, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ना अगर एल है और इनका डिस्टेंस अगर ए है, तो एल जो है ना वो काफ़ी बड़ा है ए से, तो हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर उस सेंस में देखें तो। वैसे तो मुझे चार्ज डेंसिटी दे रखा है मैथमेटिकली, तो प्रूफ दे रहा है और ये फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल होगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो, लैंग्वेज जो ऊपर कोई भी ऐसा क्वेश्चन क्या आप तुम लिख सकते हो, चार्ज डेंसिटी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट मेटालिक लार्ज, लार्ज छोटा मेटालिक लार्ज थिन प्लेट, ठीक है।
अब देखो दूसरा पार्ट पूछ रहा था इसी में कि यहाँ पे कोई पॉइंट एस है, उसने क्यू बोल रखा है यहाँ पे जगह नहीं था, एस है, और बताओ कि एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, इस प्लेट की वजह से इधर सपोज ई आर, और इस प्लेट की वजह से भी इधर ई क्यू। बोलो कि इधर क्यों नहीं, अरे भाई पॉजिटिव की वजह, पॉजिटिव से हमेशा अवे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिविटी के हमेशा अंदर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के, समझे। इसीलिए बोलता हूँ लाइफ में पॉजिटिव रहो ताकि अपने ऑरा को और पॉजिटिविटी को फैलाते रहोगे, और नेगेटिव रहोगे तो सारा टेंशन घुसता रहेगा, स्ट्रेस रहेंगे, वैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ई एस क्या हो जाएगा, ई क्यू प्लस ई आर, ये सेकेंड पार्ट है। एस इस पॉइंट पे पूछ रखा है, सेकंड पॉइंट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पूछ रखा था आउटर में, अब पूछ रहा है इनर पॉइंट, इन दोनों के बीच में है। ई क्यू कितना होगा, वही सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये डायरेक्शन मैंने आर कैप इधर ले रखा है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों के डायरेक्शन है, अगर नेगेटिव लोगे तो दोनों ही नेगेटिव आएगा, वो सिर्फ डायरेक्शन का खेल होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो जाएगा टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मान लेंगे आर कैप, आर कैप आर कैप लेगा डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू दे रखा है तुमने, टू इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और तुम्हें पता है ये हाँ एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है पता है तुम्हें, कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक सेकेंड चेक चेक ऑफ जस्ट चेक मी मत लेट मी चेक इट। अच्छा कूलम स्क्वायर, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर कूलम स्क्वायर, अच्छा यही होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट जो होता है वो न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन यूनिवर्स पर न्यूटन को न्यूटन यूनिवर्स भी लिख सकते हैं नीचे आता है। तो यहाँ से एक सी चला जाएगा, मीटर से मीटर चला जाएगा, और क्या बचेगा फाइनली, इसे काट कूट दोगे तो ये खत्म, ये खत्म, 2.28 का सॉल्व करोगे 2.26 इंटू 10 की पावर माइनस 1 न्यूटन पर कूलम बचता है। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 1, ये पता होगा तुम्हें रेडिकल्स में, ये कोई भी चार्ज नेगेटिव होता है वो अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जम करता है तो उसका चार्ज का साइन अपने आप उलट जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, कि और समझाएं तुम्हें, ठीक है अगला क्वेश्चन नोट करो, इसे पॉज करके।
अगला 3 मार्क्स का क्वेश्चन, थोड़ा शानदार क्वेश्चन पूछ रखा है। ए पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -3 × 10⁻¹⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम, ठीक है, टू पास थ्रू। देख लो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में मैं मुंह से बोल देता हूँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो भैया ऐसा करके माइनस दे रखा है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ ऐसा रह रहा होगा सीन, ठीक है, माइनस में तो ऐसे आ रहा होगा। तुम्हें पूछ रखा है कि बताओ वैल्यू, तुम्हें पता है ये इनक्लोज सरफेस के लिए क्यों ओपन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुम्हें पता होता है, क्यों निकाल सकते हो। मैं इसमें क्या बताऊँ यार, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹² न्यूटन, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इतना बताने लगे तो भाई बेसिक मैथ्स नहीं आता है तो फिर तो इशू है, सीरियस इशू तुम्हारे साथ नहीं, क्वेश्चन के साथ, तेरे साथ है, क्वेश्चन के साथ कोई इशू नहीं। सेकंड है, if the radius of the Gaussian surface is double, how much flux would pass through the surface? If the radius of the Gaussian surface is doubled, how much flux should pass through the surface? नहीं बताना है। तीसरा वाला है, double कर triple कर क्या मतलब बनता है, वो depend ही नहीं करता उसके radius radius पे, no no change, वही रहेगा, electric flux जो होगा वो unchanged रहेगा, रेडियस डबल करो ट्रिपल करो। अगले वीडियो में 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो फिर बड़े बड़े शानदार शानदार, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर हो जाएगा अपना चैप्टर खत्म, कवरिंग ऑल द नेसेसरी टॉपिक्स, नेसेसरी क्या सारे ही, मतलब जो भी है जितने भी सारे। ओके गाइस, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ते हैं उन्हें शेयर करो, ताकि यार नंबर ला पाएं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे तभी तो।